नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रोहित, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने ताम्र पाषाण काल के बारे में बात की थी, और अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप सबने सुना होगा, कई बार सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली, कांस्ययुगीन सभ्यता इसको कहते हैं। तो क्या है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक सभ्यता नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारा प्राइड है। क्योंकि क्या हुआ है, हम मतलब 300-400 साल से जब हमारा देश गुलाम था, दूसरे के दास्ता में था, ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो उनके मतलब उन्होंने हमारे हमको मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया था और यह कह दिया था, तो धीरे धीरे हमें भी लगने लगा था कि शायद सही में हमारे ये सही कह रहे हो, हमारा सही में कोई इतिहास नहीं हो, हमको शायद सही में शासन की जानकारी नहीं हो, इन्होंने जो चीजें सिखाई है वही हम सीख के आगे बढ़ेंगे और ये हमारा उद्धार करने आए हुए हैं। भगत सिंह का मतलब एक वो है, क्या कहते हैं, वाई आई एम एथिस्ट करके एक वो है उनका, क्या कहते हैं, एक छोटा सा, जब उन्होंने जेल में थे तो उन्होंने लिखा हुआ था, तो उसमें एक लाइन है कि मतलब आपके ऊपर ब्रिटिश शासन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भगवत इच्छा है, यानी ये मतलब ये भगवान चाहते हैं, ये परिस्थिति जन नहीं, ये बनाया गया है। तो बस, तो मतलब किसी लोकल आदमी, मतलब वहां के जो हम आम आदमी थे भारतीय, उन्हें लगने लगा था 1900 आते आते, बहुत साल से जब शासन कर रहे थे, तो इन्हें लगने लगा था, आम भारतीय को लगने लगा था कि यही हमारी नियति है, क्योंकि हम इसी के लिए बने हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश हमको दया क्या 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 मतलब ब्रिटिश हमें ये दिलवा रहे थे, यकीन दिलवा रहे थे कि नहीं, आप लोग जो है तो इसी व्यवस्था के लिए बने हुए हैं कि आपके ऊपर कोई शासन करे, क्योंकि आपको शासन की जानकारी तो है नहीं, आप शासन करना जानते ही नहीं है, आप शासन के सिर्फ एक स्वरूप से संबंधित हैं, तानाशाही है ना, तो हम आपको उससे ज्यादा बेहतर व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। तो ये बात को समझते समझते क्या हुआ कि हमें यकीन हो गया कि नहीं, ब्रिटिश जो है तो सही कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने बोल तो दिया कि आपकी कोई सभ्यता नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं है, इन्हीं लोगों ने हमारा जो है तो चारित्रिक पतन किया हमारे देश का, और फिर इन्हीं लोगों ने ये प्रूफ किया कि नहीं, आप लोगों की एक सभ्यता भी थी। तो ये इन्होंने कैसे प्रूफ किया, तो ये हम जानेंगे। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने ही कैसे प्रूफ किया, ब्रिटिशों ने ही हमें बताया कि आप जो है तो आपकी सभ्यता बहुत पुरानी है ना। तो ये बताया, सबसे पहले क्या हुआ कि जब इन्होंने मतलब भारत में ये लोग पैंट जमा चुके थे, 18वीं शताब्दी के आसपास भारत में शासन में आगे बढ़ गए थे, तो क्या हुआ कि इन्होंने ट्रेन का जाल बिछाना प्रारंभ किया, क्योंकि इन्हें ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे सामान ऐसे थे कि भारत के बीच के शहरों से मध्य प्रदेश में या फिर दिल्ली में जाने के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट करके सामान बंदरगाहों तक लाना पड़ता था, तो इन्हें लाने में सड़क मार्ग से असुविधा होती थी, सड़क मार्ग भारत में इतना फैला हुआ नहीं था, बहुत कच्ची सड़कें थी, तो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा था, इन्होंने और वो असुरक्षित मार्ग भी था, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ट्रेन चलाने का यहाँ पे भारत में स्टार्ट किया, और मुंबई से ठाणे वाली ट्रेन तो इन्होंने स्टार्ट ही कर दी थी, और अब भारत में ये ट्रेन का चारों तरफ जाल बिछाने की बात कर रहे थे। तो क्या हुआ इसी कालक्रम में कि जब वो पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, पहले तो वो भारत ही था, तो भारत मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जगह थी हड़प्पा, तो वहां पर क्या कर रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तो वहां पर उन्हें एक मुहर प्राप्त हुई, खोदते समय जब नीचे खोदा गया तो उन्हें एक प्राचीन कालीन मुहर प्राप्त हुई। तो उस समय क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम वहां पे एक मतलब जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके इंजीनियर थे, उन्हें वहां का काम सौंपा गया था कि यहां पे मतलब रेलवे ट्रैक बिछाने का काम उनके जिम्मे था, तो उन्हें वो मोहर दिखाई गई, सर्वप्रथम उन्हें ही जो है तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में मतलब ये पता चला कि ये कोई एंटीक चीज है, मतलब ये पुराने पुरावशेष है, ये किसी सभ्यता के चिन्ह है। तो इस प्रकार मतलब उन्हें सर्वप्रथम हड़प्पा की मोहर प्राप्त हुई, और इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं सिंधु घाटी को, क्योंकि वो जहां पे पहली बार मोहर इंट्रोड्यूस हुई थी, जहां पे पहली बार मोहर प्राप्त हुई थी, उस जगह को क्या कहते हैं, हड़प्पा नाम की जगह पे प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, तो इन्होंने भारत में पुरातत्ववेत्ता थे, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट तो थे ही, इंजीनियर के साथ साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, तो इन्होंने ही भारत में मतलब पूरा अन्वेषण, मतलब पुरानी चीजों को खोज करने की सर्वप्रथम शुरुआत इन्होंने ही की, क्योंकि इन्हें सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए, तो इन्हें फाउंडिंग फादर कहा जाता है, मतलब इन्हें भारत में क्या कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये क्या हुआ, तो 1853 में इन्होंने खोज तो कर दी, पर जो है तो इन्हें ज्यादा मतलब इनको ज्यादा आर्कियोलॉजी की जानकारी नहीं थी, क्योंकि बेसिकली थे तो ये इंजीनियर ही, ये अपनी खोजी स्वभाव के कारण मतलब आर्कियोलॉजिस्ट
की ओर इनका रुझान था, बट ज्यादा ये चीजें समझते नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, बट इससे एक रास्ता खुल गया कि मतलब भारत में ऐसी कोई रिसर्च की जानी चाहिए। तो इसीलिए फिर भारतीय सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण विभाग भी भारत में धीरे बनाया गया और उसमें जो है तो और खोज आगे की गई। तो जैसे जैसे ये खोज आगे बढ़ती गई तो मतलब ये पता चलता गया कि नहीं, भारतीयों के पास एक बेहतरीन सभ्यता थी इनके आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले एक शासन का बहुत अच्छा मॉडल इनके पास था। जब यहां खुदाइयां होने लगी और पुराने नगर मिलने लगे, जैसे कि अशोक का जब स्तंभ प्राप्त होता है तो जो राज आदेशात्मक था, राज आदेश का मतलब सीधा सिंपल यही होता है, राजा का आदेश। तो राजा का आदेश मतलब शासन को चलाने के लिए जनता को दिया गया आदेश, तो यही तो संविधान होता है। तो मतलब संविधान की शुरुआत भी हो गई थी, जैसे कि पता चलता है अंग्रेजों ने ही बताया क्योंकि खोदा तो उन्होंने ही। तो मतलब धीरे धीरे और भी जब खोजे होंगी तो उन्होंने ही प्रूफ करना भी स्टार्ट किया कि नहीं, आपकी एक सभ्यता भी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है वो 2250 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व का भी माना जाता है। और ईस्वी पूर्व के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बार बार शब्द आ रहा है कि ईस्वी पूर्व, तो आप ये समझ लीजिए कि ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है। बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एडी, ये बहुत सारे शब्द आए होंगे, तो थोड़ा सा आज क्लियर कर लेते हैं कि ये ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है। तो इधर के टाइम को हम ईस्वी पूर्व बोलते हैं और यहां पे होगा ईस्वी, इसके आगे से ईस्वी, यहां पे बीसी इंग्लिश में बोलेंगे इसको और एडी। तो अब हम ये समझेंगे कि जो ईस्वी पूर्व होता है, ईस्वी मतलब होता है कि ईसा मसीह का जन्म, जिस वर्ष में जिस समय जिस टाइम पीरियड में ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उसे हम ईस्वी बोलते हैं और उसके आगे के टाइम को ईस्वी बोला जाता है, जैसे 2020 ईस्वी अभी चल रहा है। और एडी का मीन्स होता है एना डोमिनी, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हमारे प्रभु का समय, है ना, हमारे प्रभु का टाइम। तो जो मतलब उनके प्रभु मतलब ईश्वर, पश्चिमी देशों के यूरोप में जब ये कैलेंडर बना तो उसके उनके प्रभु ईसा मसीह, तो ईसा मसीह के जन्म के टाइम को एना डोमिनी, वहां पे स्वर्ण काल कहते हैं, जैसे हमारे यहां भगवान राम के टाइम को स्वर्ण काल माना जाता है, गौतम बुद्ध मतलब जैनिज्म में भी जो है तो महावीर के टाइम को गोल्डन टाइम माना जाता है। उस गोल्डन टाइम का मतलब ऐसा होता है, थोड़ा बड़ी बढ़ा चढ़ा के तो बताया गया है, ऐसा बोला जाता है कि यहां पर गाय और क्या कहते हैं, गाय और शेर एक ही घाट पे एक ही साथ पानी पी रहे थे जब एना डोमिनी चलता है, क्योंकि ये स्वर्ण काल है ना, तो ऐसी बात कही जाती है स्वर्ण काल के लिए। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो कहानियां हैं, पहले का जो टाइम है उसे कैसे दर्शाते हैं, ईसवी पूर्व से, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की बातों को बीसी बोला जाता है, ईसवी पूर्व बोला जाता है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि मतलब ईसवी पूर्व क्या होता है। तो अब क्या हुआ कि जैसे हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम जो है तो 2200 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है, तो ये टाइम मतलब आजकल मान लिया गया है रेडियो कार्बन डेटिंग से, C14 वाली डेटिंग से ये पता चला है कि इसका टाइम पीरियड ये है। पर मतलब जो हम नई रिसर्च हो रही है अभी, क्योंकि रिसर्च जारी है, तो रिसर्च जारी है तो नई रिसर्च में ये पता चला है कि ये सभ्यता करीब 8000 साल पुरानी है, 8000 ईस्वी पूर्व की है, मतलब आज से करीब 10000 साल पुरानी है, ठीक है ना। तो 2200 वाली को ही अभी माना जा रहा है, अध्ययन के लिए भी पढ़ा जा रहा है क्योंकि रिसर्च चल रही है, पर अभी नई खोजों से यह भी प्राप्त हुआ है कि ऐसा नहीं है कि ये 2200 ईस्वी पूर्व, ये 8000 ईस्वी पूर्व भी हो सकती है। तो मतलब इतनी पुरानी सभ्यता में इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी होना, आगे हम देखेंगे कि कैसे यहां पर नगर नियोजन प्रणाली थी, नगर नियोजन मतलब सिटी प्लानिंग, जो प्लान करके जो चीजें नहीं बनाई जाती हैं वहां पर अव्यवस्था फैलती है। जैसे कि अगर आप मतलब बड़े शहरों में गए होंगे तो जो वहां का पुराना इलाका है, जैसे पुरानी दिल्ली चांदनी चौक देख लीजिए, भोपाल में पुराना भोपाल देख लीजिए, इंदौर में पुराने भोपाल साइड, इंदौर पुरानी इंदौर साइड, तो वहां पर क्या है कि रास्ते एकदम संकीर्ण है क्योंकि दुकानें पुराने जमाने की बनी हुई होंगी, तो मतलब इतनी संकीर्ण रास्ते, लोगों के निकलने की जगह नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है वहां पे। तो मतलब जब इतनी पुरानी जगह पे, मतलब बहुत पुरानी तो नहीं है, आज के हिसाब से 200-500 साल पहले की बात है, जब मतलब विदेशी क्या कहते हैं, जब मतलब मुस्लिम मुगलों का शासन था तब के ये स्थान है, तो वहां पर जब नगर नियोजन प्रणाली सिटी प्लानिंग नहीं थी तो ऐसे घर बनते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे शासन मतलब ऐसा नगर था वहां पे। पर हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं जो आज से करीब 5000 साल पुरानी है और वहां पर सिटी प्लानिंग इतनी अच्छी है कि मतलब वहां पर ड्रेनेज सिस्टम वहां का इतना बेहतर है, वहां के घर इतने बेहतर बने हुए हैं, ईंटों का उपयोग इतने बेहतर तरीके से किया गया है।
अगर आपको कभी मौका मिले, और मैं तो कहता हूं कि आपको जरूर YouTube पे डॉक्यूमेंट्रीज होंगी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, आपको देखनी चाहिए, तो आप वहां ओरिजिनल व्यूज देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि वहां ईंटों का कितना बारीकी से प्रयोग किया गया है, वहां की ईंटें कितनी मतलब कैसे एकदम नाप के हैं, सारी ईंटें एक जैसी हैं, लगेगा कि जैसे आजकल की किसी आजकल के टाइम का कोई घर हो और वो मतलब टूटकर गिर गया हो या फिर वो हो गया हो, खंडहर बन गया हो, पर लगेगा कि आजकल के टाइम का, क्योंकि मतलब उसमें इतना मतलब व्यापक तरीके से इतना सिस्टमेटिक ढंग से उसको बनाया गया है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसी सभ्यता जो इतना डेवलप थी और क्या हो रहा था इस सभ्यता में, और इस सभ्यता का एरिया, इस सभ्यता का एरिया इतना ये वास्ट था कि मतलब ये पाकिस्तान से, आज के पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से लेकर मतलब भारत में दिल्ली तक फैला हुआ था। जैसे उत्तर मतलब उत्तर में इसका एरिया जम्मू में मांडा, आजकल जो मांडा है, वहां से नर्मदा के मुहाने तक फैला हुआ था, और पश्चिम में बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में जो है तो मेरठ तक, मतलब करीब दिल्ली से आगे तक ये एरिया इसका पूरा फैला हुआ था। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि ये इतना ज्यादा एरिया है इस मतलब इस सभ्यता का, जो आजकल के पाकिस्तान के, जो आजकल का पाकिस्तान का क्षेत्रफल है उससे तो बहुत ही ज्यादा है। और जो उस टाइम पर जो सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां की सभ्यताओं से भी इस मतलब इस सभ्यता का एरिया बहुत ज्यादा था। तो नगर नियोजन प्रणाली इसकी एक प्रमुख विशेषता है, और एक इसकी प्रमुख विशेषता है जल निकासी प्रणाली, नालियों की व्यवस्था बहुत ही उच्च ऊंचे दर्जे की थी आज के भी हिसाब से। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे शहर छोटे गांव हैं आजकल कि वहां पर यह सिस्टम आज नहीं उपलब्ध है। तो इनका एक वो था कि पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जो मतलब इनका जो डेवलपमेंट था वो सस्टेनेबल था, सतत विकास था। ऐसा नहीं कि विकास ऐसा था कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर विकास हो रहा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आज हमारे यहां करना प्रारंभ हुआ है कि सतत विकास का मतलब होता है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि हमारे वर्तमान में तो विकास करना पर भविष्य को सुरक्षित करके। मतलब इसका सीधा संपल है कि ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन ना कर देना कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को वो प्राप्त ही ना हो पाए, तो वो फिर विकास कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए ऐसा विकास करना कि जैसे अगर 100 पेड़ काटे गए हैं तो कम से कम 200 पेड़ लगाना, जिससे मतलब विकास बना रहे, वो पेड़ हमें प्राप्त होते रहे, पेड़ों से प्राप्त होने वाली चीजें, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती रहे, और इतना दोहन ना कर देना चीजों का, पेट्रोलियम का या फिर और प्राकृतिक संसाधनों का जो रिन्यूएबल नहीं है, जिनको फिर से नहीं बनाया जा सकता है इतना जल्दी, तो उनका इस तरह उपयोग नहीं करना कि मतलब वो आगे आने वाली पीढ़ी को प्राप्त ही ना हो पाए। तो इस तरह का विकास उनका नहीं था। जो हड़प्पाकालीन लोग थे वो अवेयर थे, उन्हें आज से 10,000-5,000 साल पहले भी पता था कि हमें ऐसा विकास चाहिए जो सतत हो, जो चलता रहे, कभी आगे जाकर किसी प्रक्रिया में रुक ना पाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मतलब हम जो है तो भविष्य के आने वाले लोगों को भी चीजें उपलब्ध कराएं। तो इसी प्रकार के बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं हड़प्पा में, और जो ईंटें प्रयोग की गई हैं उनका एक प्रॉपर रेशियो है ईंटों का। आप ये देखोगे जो उसमें ईंटें मोस्टली पक्की ईंटों का यूज किया गया है, और चंद्रपुर और जो कालीबंगा है वहां पर बस कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, पर वो कच्ची ईंटें भी अलंकृत ईंटें हैं, मतलब उसमें डेकोरेटेड ईंटें हैं, किसी में चित्र बने हुए हैं, है ना। तो जो ईंटों का रेशियो है वो 4:2:1 इस रेशियो की ईंटों का यूज किया गया, मतलब जहां पे ईंटें हैं सब कुछ सिस्टमैटिक है। और किसी भी सिटी प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, गणित का, ज्यामिति का, ट्रिग्नोमेट्री का, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा तभी आप मतलब कुछ भी क्या कहते हैं कुछ भी आप नगर नियोजन या सिटी से संबंधित प्लानिंग कर पाएंगे। तो अब हम बहुत सारे नगरों की बात करेंगे, सबसे पहले कि जो कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। तो स्थल का मतलब वो आपने सुना भी होगा कि हड़प्पाकालीन स्थल, तो हड़प्पाकालीन स्थल का मतलब ये नहीं है कि मतलब 7-8 स्थल प्राप्त हुए हैं, 10 स्थल प्राप्त हुए हैं तो वहीं पर सभ्यता डेवलप थी, ऐसा नहीं। वहां पर हाई लेवल भी थी, वहां के अवशेष प्राप्त हुए हैं, सभ्यता उस पूरे एरिया में फैली हुई थी। जैसे अगर मतलब आज की बात करें तो बहुत सारे मेट्रो शहर हैं जहां पर बहुत सारी आबादी रहती है, बहुत सारा विकास का काम हुआ है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो अगर अवशेष प्राप्त होंगे तो वहां के एरिया में ज्यादा होंगे। जहां छोटे लोग, जहां कम एरिया जैसे गांव वगैरह है तो वहां पर भी वही सभ्यता, पर वहां पर अवशेष कम प्राप्त होंगे इसी सभ्यता के, है ना। तो मतलब ये है कि जो ये बड़े शहर थे वहां के अवशेष अब हमें प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारे अवशेष में पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी प्राप्त होते हैं और बहुत सारे भारत में भी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो पाकिस्तान में स्थल प्राप्त हुए थे, सबसे पहले प्राप्त हुआ था जो स्थल, तो सबसे पहले तो हम हड़प्पा के बारे में ही बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थल प्राप्त हुआ था,
हड़प्पा। यह हड़प्पा स्थल प्राप्त हुआ था 1853, वो तो हमने बता दिया, पर इसकी मतलब खुदाई सर्वप्रथम की गई सर जॉन मार्शल थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरान्वेषण विभाग के मतलब प्रमुख थे, चीफ थे, उनके नेतृत्व में, नेतृत्व इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो चीफ थे, तो इसीलिए उनके नेतृत्व में दयाराम सहानी द्वारा 1921 में इस स्थल की मतलब व्यापक खुदाई की गई और अवशेष इसके प्राप्त किए गए और देखा गया कि मतलब ये किस सभ्यता संबंधित है और इनकी रिसर्च की गई। दयाराम सहानी को इसी खोज के लिए मतलब इसी खोज से प्रभावित होकर राय बहादुर की उपाधि जो है तो ब्रिटिश सरकार ने दयाराम सहानी को मतलब प्रदान की थी, क्योंकि उन्होंने हड़प्पा स्थल को खोजा था और पुरान्वेषण में बहुत ही उनका अच्छा योगदान रहा, इसीलिए जो है तो उन्हें जो है तो सर क्या कहते हैं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। अब क्या है कि अब हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा स्थल तो सबसे पहला स्थल प्राप्त होता है, रावी नदी के किनारे पर है, पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के, है ना, मोंटगोमरी करके एक जिला है पाकिस्तान का, मोंटगोमरी नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी मतलब उसमें मिला के क्या कहते हैं मैच द कॉलम के लिए आ सकता है ये नाम, तो आप इन्होंने खोजा और कब खोजा गया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिलों के नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप जान लीजिए मोंटगोमरी करके एक जिला है पाकिस्तान में, तो वहां पर मतलब इस स्थल को सबसे पहले खोजा गया, ये स्थल आजकल स्थित है ना पाकिस्तान के। हड़प्पा कालीन स्थलों में अब इसकी जो आगे खुदाई है, तो स्टुअर्ट पिगट करके एक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने आगे चलकर इसके बारे में और अध्ययन किया और उन्होंने एक बुक भी लिखी और उन्होंने यह बताया कि मतलब ये जो हड़प्पा स्थल है यह अर्ध औद्योगिक है, मतलब पूर्ण रूप से औद्योगिक स्थल नहीं था, ये अर्ध औद्योगिक स्थल है और यहां पर जो है तो जो लोग रह रहे थे वो व्यापार में, धार्मिक गतिविधियों में, उत्पादन की बहुत मतलब उत्पादन मतलब बहुत सारी चीजों को बनाने के काम में लगे हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बाद में के बारे में एक बात मिलती है कि ये जो है तो एक बड़ी सी बड़े से राज्य की बड़े से सभ्यता की दो राजधानियां हैं, जैसे आजकल भी दो राजधानियां होती हैं, उत्तराखंड की है, हिमाचल प्रदेश की है, शिमला और धर्मशाला उत्तराखंड की, गैरसेंड और क्या कहते हैं देहरादून है, तो वैसे ही इसकी भी दो राजधानियां थी, मोहनजोदाड़ो थी मतलब अनुमान लगाया गया है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है और नगर नियोजन प्रणाली या फिर व्यवस्था सबसे ऊंचे दर्जे की है, तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि इसकी दो राजधानियां थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो क्या होता है, तो इस प्रकार हमें यह प्राप्त पता चला है कि मतलब ये लोग एक सिस्टमैटिक वे में जी रहे थे और कहीं कहीं बहुत ज्यादा विकास था, कहीं पे मतलब औद्योगिक नगर थे, कहीं पे लोग सामान्य रूप से रह रहे थे। बेसिकली क्या होता है, यहां पर एक दुर्ग की व्यवस्था होती है, एक दुर्ग चारों ओर बनाया जाता है और वहां पर दुर्ग में मतलब दो भागों में शहर डिवाइड है, मतलब मोस्टली जगहों पे शहर दो भागों में डिवाइड है, एक ऊंचा शहर ऊंचा स्थल और एक निचला, तो निचले वाले में आम जनता रह रही थी और ऊंचे वाले में जहां पर दुर्ग था अलग से दुर्ग बनाया गया था, तो वहां पर क्या कहते हैं शासक वर्ग के लोग, यहां पे शासक वर्ग की व्यवस्था थी और ऊंचे ऊंचे लोग यहां पर मतलब जिनके जो धनी लोग थे शायद वो रह रहे थे, क्योंकि व्यापारी प्रवेल कर रहे थे तो धनी लोग रह रहे थे या फिर शासक वर्ग उस जगह पे रहा करता था। तो अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो के ऊपर एक मूवी बन चुकी है, आपने शायद देखी हो। उस मूवी में ज्यादा फैक्ट पे तो ध्यान नहीं दिया गया है, रिसर्च पे ध्यान नहीं दिया गया, सही चीजें नहीं है, बट कुछ चीजों के लिए तो आप देख सकते हैं, उसमें देखा हुआ होगा सिंधु नदी में बाढ़ आती है तो बह जाती है सभ्यता, है ना, तो वो मोहनजोदड़ो जो है तो आप इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि वो सिंधु नदी के किनारे था। तो मोहनजोदड़ो कहां पे था, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के आज के पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज की गई है राखलदास बैनर्जी के द्वारा 1922 में, 1922 ईस्वी में इसकी खोज राखलदास बैनर्जी के द्वारा व्यापक खुदाई इसकी की गई है। मोहनजोदाड़ो के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने भी सुनी होगी कि वहां पर एक विशाल स्नानागार प्राप्त हो गया है ना, प्राप्त हुआ है उसका विशाल स्नानागार। आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि ये विशाल स्नानागार, इसकी फोटो आपने बार बार देखी होगी, तो आप देख रहे होंगे कि एक स्विमिंग पूल टाइप का स्नानागार यहां पर प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई करीब 11 मीटर है और करीब लगभग 11 मीटर है, चौड़ाई इसकी 7 मीटर है और गहराई 2 मीटर के करीब है। ऊंचे से नीचे मतलब ऊंचे वाले सिरे से नीचे वाले तल तक उसके जो तो सीढ़ियां बनी हुई है, जैसे स्विमिंग पूल में बना रहता है, मतलब ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए पानी में,
और इसको जो है तो हौज से मतलब एक निर्गम नालियों से जोड़ा गया है, मतलब निकासी वाली एग्जिट वाली नालियों से जोड़ा गया है। पास में ये कुआं बना हुआ है बड़ा सा, और इस कुएं से ही पानी शायद इसमें आता रहा होगा और भरा जाता था। इस स्थल का उपयोग मतलब इस स्नानागार का प्रयोग, इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में नहाने के लिए, स्नान के लिए किया जाता रहा होगा। एक सार्वजनिक स्थल है, जैसा कि हिंदू धर्म में बहुत प्रिवेल करता है कि मतलब पूजा पाठ से पहले, धार्मिक अनुष्ठान से पहले स्नान आवश्यक है ना। आपने मुस्लिमों में भी देखा होगा, जब आप क्या कहते हैं मुस्लिमों में गुरुद्वारे गए होंगे तो गुरुद्वारों में देखा होगा कि जाने से पहले जो है तो हाथ पैर धोना पड़ता है ना, पवित्र होना पड़ता है। तो वैसे ही धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मतलब ऐसी कोई व्यवस्था थी, तो मतलब ये भी पता चलता है कि धार्मिक भी थे ये लोग, है ना। तो इस जो मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त हुआ है, स्नानागार, तो उसमें लोग धार्मिक रूप से स्नान कर रहे थे। तो और मोहनजोदड़ो के बारे में अन्न कोठार भी एक बात हुई, अन्नागार बहुत बड़ा सा प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो में, वो अलग से एक जगह पे थोड़ी दूर पे बना हुआ था जहां पे सारा अन्न एकत्रित किया जा रहा था। और यहां पर एक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, जो अंग्रेज 50,000 मतलब बहुत दिनों से 100-200 वर्षों से क्या बोल रहे थे कि आपको गणतंत्र की जानकारी नहीं, आप सिर्फ तानाशाही स्वरूप जानते हैं। तो उन्हीं के फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने ये बताया है कि यहां पर मोहनजोदड़ो में जो मतलब शासन का स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक था। तो वही बोल रहे हैं कि मोहनजोदड़ो में जो व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक थी। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब ये लोग कितने डेवलप थे। तो इनको जो है इनके शासन राज्य व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, बाकी और जगहों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में तो जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है, उतनी जानकारी नहीं मिलती क्योंकि अभी तक हमने लिपि नहीं पढ़ पाए हैं, तो हमें बहुत तो जानकारी नहीं मिलती है। पर ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ की जो मिडिल क्लास, क्या कहते हैं उसको, मध्यम वर्गीय गणतंत्रीय व्यवस्था यहाँ पर प्रिवेल कर रही थी। लोग यहाँ पे कांसे का उपयोग कर रहे थे, तांबे के, तांबा और टिन का यूज, टिन को साथ मिलाकर जस्ता बना रहे थे और उसका उपयोग कर रहे थे। एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये लोगों का लेवल कितना ज्यादा है। पहली बात तो आप ये समझिए कि थोड़ी सी समझ ले कि मतलब इनकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, ये व्यापार में कितना आगे बढ़ रहे हैं। ताम्रपाषाणकालीन लोग क्यों नगरीय व्यवस्था नहीं बन पाए, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ये लोग नगरीय व्यवस्था क्यों, नगर और गांव में क्या अंतर है? नगर में व्यापार होता है ना, कृषि पे टोटली डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं लोग। और गांव में क्या होता है कि वो खेती पर आश्रित रहते हैं। गांव में थोड़े से लोग रहते हैं, नगर में बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं एक जगह पर उपलब्ध रहती है। तो गांव से भी लोग खींचकर कहां रहते हैं, नगर में। तो इस व्यवस्था की सबसे बड़ी बात यह है कि हम आगे देखेंगे अभी कि इसमें कहीं तांबा उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस सभ्यता में इनके पास तांबा भी प्रचुर मात्रा में नहीं है, तांबे की भी कोई साक्ष्य नहीं, इनको तांबा खदाने नहीं है, ना इनके पास टिन की खदाने हैं। फिर भी ये लोग इतना मतलब इनके पास टेक्नोलॉजी या फिर दिमाग इस लेवल का है कि ये कहीं और से खरीद के चीजें बनाकर व्यापार कर रहे हैं। मतलब इनके पास अपना कुछ नहीं है, मतलब व्यापार इस ऊंचे दर्जे का है। और इस व्यवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ व्यापारी वर्ग ही शासक वर्ग टाइप के रूप में मतलब कार्य करता है, मतलब व्यापारी लोग ही मतलब पूरे सिस्टम को चला रहे थे। और ऐसा ही माना जाता है, कोई प्रमाण नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही है, इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है, तो इसका कोई ना कोई शासक तो अवश्य होगा। तो मतलब क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है तो सिर्फ मतलब क्या कर रहे थे कि व्यापार ही कर रहे थे या फिर सिर्फ खेती पे डिपेंडेंट थे। ये लोग मतलब प्रचुर मात्रा में अवशेष बहुत सारे मात्रा में खेती भी कर रहे थे, सरप्लस उगा रहे थे, अपने खाने से ज्यादा उगा रहे थे, और व्यापार भी बहुत अच्छे तरीके से पश्चिम एशिया वालों से, मेसोपोटामिया, क्योंकि यहां पे बहुत सारी वहां की भी मोहरे और सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अब हम पाकिस्तान के एक और स्थल के बारे में बात करेंगे, चहुंदड़ो। ये भी एक हड़प्पा कालीन स्थल है, इसे पूरा औद्योगिक स्थल माना गया है ना। तो इसमें इसको यह माना गया है कि यह पूर्ण रूपेण यहां पर औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित था, यहां पर औद्योगिक गतिविधियां हो रही थी। इसकी खोज जो है तो सर्वप्रथम क्या कहते हैं चहुंदड़ो के बारे में जानकारी 1934 में प्राप्त हुई थी, और इसकी खोज जो है तो एन गोपाल मजूमदार ने, इसकी खोज की थी और व्यापक खुदाई की थी। इसमें जो है तो अर्नेस्ट मैके जो है तो एक मतलब वही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी व्यापक खुदाई और अन्वेषण में सहयोग प्रदान किया। उन्होंने भी बहुत सारी थ्योरीज बताई हैं। अर्नेस्ट मैके ने किसके बारे में, किस स्थल के बारे में, चहुंदड़ो भी स्थल सिंध प्रांत में पाकिस्तान के स्थित है। ये मोहनजोदड़ो से करीब 130 किलोमीटर दूर पे स्थित ये स्थल है। और क्या हुआ है कि ये पूर्ण औद्योगिक नगर है,
और इस नगर में क्या क्या व्यवस्थाएं थी। इस नगर में पूरी तरह से बहुत सारे चीजें बन रही थी, मतलब बहुत सारी भट्टियां प्राप्त हुई हैं। ये लोग क्या करते हैं, मतलब पूरी तरह से उत्पादन के कार्य में लगे हुए थे। बहुत सारे मनके बनाने का कारखाने प्राप्त हुए हैं, मुहरे बनाने के, और बाट जो मतलब मोल, मतलब क्या कहते हैं, भार में, भार करने में और व्यापार करने में जो तौलने का काम होता है, तो तौलने के लिए जो बाट बनाए जाते हैं वो कहां कहां बनाने के साक्ष प्राप्त हुए हैं हमें, चहुंदड़ो में हमें इसके जो है तो बहुत सारे स्थल प्राप्त, बहुत सारी वो चीजें प्राप्त हुई हैं। यहां पर क्या होगा, एक व्यवस्था चहुंदड़ो में हमको ये देखने को मिली है कि जैसे पूरे शहरों में, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में क्या हुआ है कि हमें दुर्ग वाली व्यवस्था प्राप्त हुई है। मतलब जो मतलब शहर था, नगर था, वो दो भागों में विभक्त था। कौन कौन से दो भाग? एक तो भाग था मतलब जहां पे शासक वर्ग रहता रह रहा था, ऊंचा स्थान, और एक जहां पे नॉर्मल लोग रहते, निचला स्थान। पर ये जो है तो चहुंदड़ो में हमें दुर्ग की व्यवस्था नहीं दिखती है, ऐसा कोई दुर्ग जैसा स्थान नहीं दिखता है, ये सामान्य नगर है। यहां पर जो है तो सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां हो रही थी, इसीलिए ऐसा माना जा सकता है कि ये व्यापारिक नगर था। जैसे कि आप ये देखेंगे इसमें दुर्ग नहीं था, मतलब यहां पे शासक वर्ग रह नहीं रहा था, यहां पर जो लोग थे वो सिर्फ आम पब्लिक थी, आम लोग थे। तो इसे ये माना जा सकता है, जैसे आज आप देख रहे होंगे कि मतलब जब जो हमारे नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो चलाने वाले हैं, शासक हैं, वो कहां पे रह रहे हैं, वो राष्ट्रीय राजधानियों में रहते हैं, राज्य राजधानियों में, बड़े शहरों में वो लोग रहते हैं। तो ऐसा समझा जा रहा है जो औद्योगिक नगर है वहां पर सिर्फ औद्योगिक लोग, व्यापारी लोग रह रहे हैं। तो चहुंदड़ो को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो है तो एक पूर्ण रूप से व्यापारिक नगर था, और यहां पे सारी चीजों का, हड़प्पा में जो भी चीजें उपलब्ध थी उनका क्या हो रहा था, उनका सिर्फ उत्पादन हो रहा था। तो जो अर्नेस्ट माइके और जो मजूमदार जी हैं, उनके योगदान से हमें ये पता चला है कि इस स्थल में मतलब क्या क्या चीजें उपलब्ध थी और क्या क्या इसमें जानकारियां हमको प्राप्त हुई है। तो अब हमने पाकिस्तान में जो स्थल प्राप्त हुए हैं तो उनके बारे में तो जानकारी देख ली कि उनमें क्या क्या मतलब चीजें मिली हैं और कैसे कैसे स्थल है, उनका नगर नियोजन कैसा है। अब हम ये देखेंगे कि जो भारतीय स्थल हैं, भारत में जो जो स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, तो उनमें क्या मतलब उसमें क्या चीजें प्राप्त हुई है, वो स्थल कहां पर हमें प्राप्त हुए हैं। अगर हो तो आप प्लीज लाइक करिए, इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।